हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 29, और ये पेपर हुआ था 19/8/2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये रियल क्वेश्चंस हैं और इनकी मदद से आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको एसएससी के रियल एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि examinee.in इस वेबसाइट पर आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ें। इन ब्लॉग्स में मैं इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ और इसमें वो पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी देता हूँ, तो इनको आप ज़रूर पढ़ें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं रियल क्वेश्चंस को। और एक ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। सबसे पहले स्पॉटिंग एरर का सेक्शन ही शुरू होता है। द बॉय हु सैट क्लोज हिम वॉज हिज सन। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, क्लोज या नेक्स्ट, क्लोज का मतलब होता है पास में, नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में। तो इन दोनों ही वर्ड्स के बाद हम प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, क्लोज टू हिम और नेक्स्ट टू हिम। क्लोज टू हिम मतलब उसके पास में, नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके बगल में, बिसाइड मतलब पीछे। बिसाइड के लिए हम बाय प्रपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सैट क्लोज हिम के स्थान पर आपको बोलना चाहिए सैट क्लोज टू हिम या सैट नेक्स्ट टू हिम, ठीक है। तो इसमें बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। व्हेन आई रिटर्न आई फेल्ट अ बिग कैट ब्रश साइड मी एज आई ओपन द डोर। मतलब जब मैं वापस आया तो मैंने ये फील किया कि एक कैट यानी एक बिल्ली मेरे बगल में से मुझे छूती हुई निकल गई, ठीक है। तो उसके लिए जो सही फ्रेज है वो है आपका अ बिग कैट ब्रश पास्ट मी। ब्रश पास्ट मी मतलब मुझसे आगे निकल गई, मुझसे छूती हुई मुझसे आगे निकल गई। पास्ट का मतलब है कि वो आपसे किसी चीज़ का, किसी चीज़ से आगे निकल जाना। तो ब्रश तो यहां पर सही है, ब्रश के बाद साइड नहीं आएगा। अ कैट ब्रश पास्ट मी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये पार्ट जो है गलत है और इसमें भी आपका बी जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एवर सिंस अनीता लॉस्ट हर जॉब। एवर सिंस का मतलब होता है जिस समय से, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। तो एवर सिंस का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं। एवर सिंस अनीता लॉस्ट हर जॉब शी हैज डन बट वेलो इन सेल्फ पिटी। अब देखिए, यहां पर बट दिया हुआ है, तो बट के साथ जैसा कि आप जानते होंगे कि नथिंग वर्ड ही जुड़ सकता है, नथिंग बट। इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, उसने एक काम किया कि वेलो इन सेल्फ पिटी। वेलो इन सेल्फ पिटी का मतलब है कि यदि आप किसी डिप्रेस सिचुएशन में हैं तो सिचुएशन को आप चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे और उसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी किस्मत को आप दोष दे रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वेलो इन सेल्फ पिटी। अपने ऊपर अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप पर दया आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेलो इन सेल्फ पिटी। तो चूंकि बट यहां पर दिया हुआ है इसलिए नथिंग, नथिंग बट का मतलब होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं किया, उसने केवल सेल्फ पिटी में अपने आप को कोसा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो नथिंग बट अपने आप में एक फ्रेज है या अपने आप में कोरिलेटिव कंजेक्शन है, तो इसलिए बी यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्ड हुड आई रिकॉल द फन समर्स ऑन माई ग्रैंड फादर्स फार्म। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब मैं अपने अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है, रिकॉल मतलब मुझे याद आता है, फन समर्स मतलब गर्मियों में हम जो मजे करते थे हमारे ग्रैंडफादर के फार्म पर, ठीक है। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं और आपको रिग्रेट होता है कि आप ऐसा करते थे और अब आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं नॉस्टाल्जिक या विस्टफुल, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड है वो है विस्टफुल। और एक वर्ड और होता है विशफुल। देखिए, इन दोनों वर्ड्स में अंतर क्या है। विशफुल का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में देख रहे हैं, विस्टफुल का मतलब है आप पास्ट में देख रहे हैं। विशफुल का मतलब है कि आप इच्छा कर रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मैं अमेरिका घूमने जाऊं। आप कल्पना कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। जो जो फैक्ट्स फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, जो इमेजिनेशन पर बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं विशफुल। तो उसके लिए ये वर्ड है। और विस्टफुल आपको पास्ट में ले जाता है। विस्टफुल का मतलब है कि जो आप पास्ट में करते थे वो आप अब नहीं कर पा रहे हैं और उसका आपको रिग्रेट है, उसका आपको पश्चाताप है, ठीक
तो विस्टफुल का जो सिनोनिम होगा वो होगा रिग्रेटफुल या लॉन्गिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ वेग और रिग्रेटफुल लॉन्गिंग। तो इसके लिए रिग्रेटफुल हो सकता है, नोस्टाल्जिक हो सकता है, यार्निंग हो सकता है, लॉन्गिंग हो सकता है, ये सारे सिनोनिम विस्टफुल के लिए हो सकते हैं। और विशफुल के लिए जो सिनोनिम होंगे वो होंगे आपके डिजायरस और क्रेविंग, ये डिजायरस और क्रेविंग विशफुल के आपके सिनोनिम होंगे। तो यहाँ पर सही वर्ड क्या आएगा? एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्ड हुड, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने चाइल्ड हुड में, तो उसके लिए जो सही वर्ड है वो होगा आपका विस्टफुली। एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्ड हुड आई विस्टफुली रिकॉल, मैं रिकॉल तो करता हूँ लेकिन कैसे रिकॉल करता हूँ? विस्टफुली रिकॉल करता हूँ। अब रिकॉल यहाँ यहाँ पर वर्ब है और वर्ब को हम मॉडिफाई कर रहे हैं एडवर्ब से। ये एलवाई वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ये होते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो विस्टफुली यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। फिस्कली एक्चुअली गलत है, फिस्कल फिस्कल ईयर जैसे होता है, एक साल जो होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है। होपफुली तो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि हम आगे नहीं देख रहे हैं, हम पीछे देख रहे हैं। सेंटेंस जो है वो पास्ट के बारे में, इसलिए होपफुली नहीं आएगा। ऑफुली का मतलब होता है बहुत ही बेकार, तो यहां पर सही आंसर होगा विस्टफुली। ये हैं सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस, और इनको आपको इन वीडियो क्लासेस के लिए आप बार बार देखते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको रट जाएंगे अच्छे तरीके से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। इसलिए इन वीडियो क्लासेस को बार बार देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिलेज का मतलब होता है जैसे जैसे वॉर टाइम होता है, जिस समय युद्ध होता है या लड़ाई झगड़ा होता है बड़े बड़े पैमाने पर, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के घर में घुस के उस सामान को सबको डैमेज कर देती है, तोड़ फोड़ कर देती है, लूटपाट मचाती है। ठीक है, तो उसको हम पिलेज बोलते हैं। हालांकि इसमें पिलेज का एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं दिया है। और डेसिक्रेट, डेसिक्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा कर देना, बेकार कर देना, अपवित्र कर देना, लेकिन तोड़ फोड़ से भी इसका रिलेशन है, तो डेसिक्रेट यहाँ इसका सिनोनिम है। ठीक है, और विकीथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा या आपके पास जो कुछ भी है उसको डोनेट कर देना या विल बना देना, उसकी वसीयत बना देना, ताकि ताकि आपकी डेथ के बाद आपके बच्चों को या आपके नॉमिनीज को वो चीज़ मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं बिकीथ। और पिलेज का मतलब होता है लूटपाट करना, वेंडेलाइज करना, ये भी एक अच्छा वर्ड है, वेंडेलाइज, ये वर्ड भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही वर्ड्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ग्रुप या समूह। ठीक है, क्लस्टर। और असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो असेंबलेज और क्लस्टर ये एक ही चीज़ है। क्लस्टर जैसे जैसे कोई एक चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर उनको आपने चार पांच चीज़ों का जो समूह है उसको हम बोलेंगे कि ये क्लस्टर है, ये किसी चीज़ का क्लस्टर है। और असेंबलेज मतलब असेंबलेज ही वही होता है जहाँ पर सारे लोग असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो असेंबलेज और क्लस्टर ये सेम वर्ड हैं, क्लस्टर असेंबलेज। ठीक है, सॉलिटरी का क्या मतलब है? सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेला, या रिटायरिंग भी इसको आप बोल सकते हैं। और इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा सोशेबल या फ्रेंडली। तो इस तरीके से क्लस्टर का आपका सही सिनोनिम यहां पर होगा असेंबलेज। एंटोनिम्स यहां पर आपको बताने हैं, रैमपार्ट। देखिए, एक होता है रैमपेंट और एक होता है रैमपार्ट। रैमपेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो सब जगह फैला हुआ है। रैमपेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा लिमिटेड या कन्फाइंड, रैमपेंट का। रैमपार्ट का मतलब होता है जैसे जैसे किलाबंदी कर देते हैं जैसे किसी चीज के चारों तरफ, ताकि कोई अटैक नहीं कर पाए, या उसको हम एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं या बैरिकेड भी बोलते हैं, जैसे पुलिस बैरिकेड लगा देती है ताकि कोई जा नहीं पाए वहां पर। ठीक है, तो उसी को हम रैमपार्ट बोलते हैं। तो बैरिकेड और एम्बैंकमेंट ये सेम वर्ड है। और यहाँ पर एक एक वर्ड और हो सकता है, फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी करना। तो ये तीनों तो सेम वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एंटोनिम चाहिए तो एंटोनिम होगा डिच, यानी गड्ढा खोदना। तो डिच यहाँ पर इसका रैमपार्ट का एंटोनिम होगा। एपिडेमिक, देखिए यहाँ पर मैं काफ़ी सारे वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एपिडेमिक क्या होता है, इंडेमिक क्या होता है, इन्फेक्शस क्या होता है, कंटेजियस क्या होता है। देखिए, एपिडेमिक का मतलब है बड़े स्तर पर सभी जगह फैलने वाला रोग, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक, महामारी भी इसको हम बोलते हैं। इंडेमिक होता है एक पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन के लोगों को ही होने वाला, बार बार होने वाला, उसको हम बोलते हैं इंडेमिक। ठीक है,
तो एपिडेमिक का मतलब क्या है? वाइड स्प्रेड, इसलिए इसका एंटोनिम क्या होगा? लिमिटेड होगा। एपिडेमिक का एंटोनिम क्या होगा? लिमिटेड होगा। इंडेमिक, इंडेमिक का क्या मतलब होता है? लोकल इसका मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इंडेमिक का, इंडेमिक का होगा ग्लोबल। कंटेजियस का मतलब है जो कांटेक्ट से फैलता है, जो संक्रामक डिजीज होती हैं, आपने किसी को टच किया और उसकी बीमारी आपके पास आ गई, उसको हम बोलते हैं कंटेजियस। इन्फेक्शस एक्चुअली हवा या पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इन्फेक्शन से फैलता है, इन्फेक्शस। ठीक है, तो ये चारों में डिफरेंस है। तो एपिडेमिक का यहां पर आपको क्या चाहिए? यहां पर आपको चाहिए एंटोनिम, और एंटोनिम होगा इसका लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। यहां पर आपको इडियम्स और फ्रेजेस का आंसर बताना है। तो यहां पर एक इडियम दिया है, टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स, किसी चीज का आपकी फिंगर टिप्स पर होना। किसी चीज का आपकी फिंगर टिप्स पर होना, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको आप तुरंत से याद कर सकते हैं, तुरंत से उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आपके पांच फ्रेंड हैं और पांचों फ्रेंड्स के जो मोबाइल नंबर हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पर हैं, मतलब जब जरूरत पड़े तब उनको आप तुरंत याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट वंस कमांड, रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट वंस कमांड, ये इसका सही मतलब होगा। इसमें एक वर्ड आया है एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, जिसमें स्किल्स हैं। और परकसन का मतलब होता है बीट, जो यहां पर दिया है म्यूजिकल परकसन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनको बीट करके बजाया जाता है। ठीक है, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं टू नॉट हैव अ क्लू, किसी चीज के बारे में क्लू नहीं होना, आपको क्लू, आपके पास उसका क्लू नहीं है, मतलब उसके बारे में आपको एक स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं पता आपको। टू नॉट नो अबाउट समथिंग, तो डी यहां पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सिंस ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है इस क्वेश्चन को, सिंस व्हेन हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस बीन सो इजी। देखिए, सिंस और फॉर हम लगाते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, तो यहां पर हो जाएगा सिंस व्हेन हैज स्टार्टिंग अ बिजनेस बीन सो इजी। यदि इसका आप आंसर, यदि आप इसका इसका आप स्टेटमेंट बनाएं तो ये क्या हो जाएगा कि अ बिजनेस, नहीं, इसका हो जाएगा आपका, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंस वैन जो है ये डब्ल्यू एच वर्ड है। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो सिंस वैन के बाद लग जाएगा हैज, चूंकि यहाँ स्टार्टिंग है बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए सिंस वैन के बाद लग जाएगा हैज, और उसके बाद आप बोलेंगे सिंस वैन हैज स्टार्टिंग अ बिजनेस बीन सो इजी, मतलब जो जो सब्जेक्ट है वो हैज और बीन के बीच में इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। जैसे बिजनेस हैज नेवर बीन इजी, ठीक है, एडवर्ब को भी आप हैज और बीन के बीच में लगाते हैं और सब्जेक्ट को भी आप हैज या बीन के बीच में लगाते हैं। तो उस तरीके से यदि आप इसको स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस मतलब एक चीज का नाम है, एक प्रोसेस या एक एक्टिविटी का नाम है, तो इसको आप इट से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आप इसको इट से रिप्लेस करें तो ये सेंटेंस हो जाएगा सिंस वैन हैज इट बीन सो इजी, सिंस वैन हैज इट बीन सो इजी, मतलब बिजनेस करना कब से बहुत आसान हो गया है, ये सेंटेंस का मतलब है। सिंस वैन हैज इट बीन सो इजी, सिंस वैन हैज इट बीन सो इजी, जो कि सही है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सिंस वैन हैज स्टार्टिंग अ बिजनेस बीन सो इजी, तो सी इसमें आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, एक्चुअली डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो उसका ये सही स्ट्रक्चर है। दोज फिल्म्स बींग मेड नाउ, नाउ का मतलब क्या है कि इस समय उन फिल्म्स को बनाया जा रहा है। नाउ हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें हम बोलेंगे दोज फिल्म्स आर बींग मेड नाउ, उन फिल्म्स को अब, दोज फिल्म्स आर बींग मेड नाउ। फिल्म्स चूंकि प्लूरल है इसलिए यहां पर हम लगाएंगे आर, और आर के साथ बींग और बींग के साथ थर्ड फॉर्म। ये एक्चुअली पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस ये कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए इसमें इज एम आर के साथ हम बींग लगाएंगे और बींग के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
दोज फिल्म्स आर बीइंग मेड नाउ, ठीक है, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रोटेक्ट करना यानी उसको स्पॉन्सर करना। स्पॉन्सर क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो वो होता है स्पॉन्सरशिप। और स्पॉन्सरशिप को आप ट्यूटलेज भी बोलते हैं, TUTELAGE, ट्यूटलेज, ये स्पॉन्सरशिप के लिए ये वर्ड आता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी। ऑटोनॉमस मतलब जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो प्राइवेट है, जो जो इंडिपेंडेंट है। नॉन अलाइंड जो किसी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अनएडेड मतलब जिसको मदद नहीं की जा रही है, जिसकी जो बिना मदद के है उसको हम बोलते हैं अनएडेड। तो ट्यूटलेज का अर्थ होता है स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर आपका सही आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, इसका सही आंसर होगा आपका ट्यूटलेज, आपका सही आंसर होगा। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपीयरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, अपीयरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब सिचुएशन बाहर से देखने पर डिफिकल्ट लग रही है, उस सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशावादी रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंग्विन। सेंग्विन का मतलब एकदम ऑप्टिमिस्टिक, एकदम चीयरफुल, उसको हम बोलते हैं सेंग्विन। तो सेंग्विन यहां पर सही आंसर होगा। पैलिड मतलब एकदम कलरलेस हो जाना, एकदम पीला पड़ जाना, जैसे बीमारी में कोई पड़ जाता है। पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। सैलो का मतलब भी वही होता है पैलिड। तो यहां पर मैंने ये सारे वर्ड मीनिंग दिए हैं। सेंग्विन का अपवीट होता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, इसका एंटोनिम होगा डाउटफुल या अनसर्टेन, सेंग्विन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग सही है, यानी तीन स्पेलिंग्स यहां पर गलत हैं। तो कभी कभी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछते हैं, कभी कभी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछते हैं, तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें तीन स्पेलिंग्स गलत हैं, एक सही है। तो सही वाली स्पेलिंग होगी एक्चुएशन। एक्चुएशन मतलब किसी चीज का वास्तविकीकरण, एक्चुएशन, ACTUATION, एक्चुएशन की सही स्पेलिंग इसमें है डी। इसमें SION नहीं आता, इसमें TION आता है, एक्चुएशन। मोथ ईटन मतलब जिसको कीड़े मकोड़े ने, मोथ एक्चुअली हम भमरा होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको हम मोथ बोलते हैं। तो मोथ ईटन मतलब जिसको कीड़े मकोड़े खा गए हैं, यानी जो बहुत ही ज्यादा पुराना या एंशियंट है उसको हम बोलते हैं मोथ ईटन। एक्चुअली इसमें एक हाइफन यहां पर होना चाहिए, लेकिन मोथ ईटन की सही स्पेलिंग है MOTHEATEN, ये इसकी इसमें आपकी सही स्पेलिंग है। तो डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। मोथ ईटन का अर्थ होता है एंशियंट या बहुत ज्यादा ओल्ड, और इसका एंटोनिम होगा करेंट या प्रीवेलेंट, ये इसका एंटोनिम होगा। ये है पैराजंबल के क्वेश्चन, और वी एंटर्ड एंड फाउंड दैट अ हट हैड बीन असाइन टू ईच ऑफ अस, हम वहां पर घुसे और हमने वहां पर घुसते ही पाया कि एक झोपड़ी हम दोनों में से हम सभी को असाइन कर दी गई है, दे दी गई है। तो देखिए ये पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस में इसको लिखा गया है वी एंटर्ड एंड फाउंड। वी एंटर्ड एंड फाउंड दोनों पास्ट सिंपल टेंस में है, और पास्ट सिंपल टेंस से पहले कोई घटना होती है तो उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले हम घुसे और उसके बाद हमने पाया। वी एंटर्ड एंड फाउंड दैट अ हेड हैड बीन असाइन, ठीक है, मतलब एंटर्ड और फाउंड के पहले झोंपड़ी असाइन कर दी गई थी, हमने बाद में पाया है कि झोंपड़ी हमें असाइन कर दी गई है, लेकिन ये काम हैड बीन असाइन मतलब असाइन करने का काम उससे पहले ही हो चुका था। तो इसलिए पास्ट सिंपल टेंस से पहले हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है। वी एंटर्ड एंड फाउंड दैट ए हट हैड बीन असाइन टू ईच ऑफ अस। वी एंटर्ड एंड फाउंड ये आएगा फर्स्ट, फाउंड दैट ए हट ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। तो इसमें सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, आपका सीक्वेंस बनेगा Z X Y, इसमें आपका सीक्वेंस बनेगा Z X Y। तो C यहां पर आपका सही आंसर होगा Z X Y। वी एंटर्ड एंड फाउंड दैट अ हट Z X Y, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिजल्टिंग ब्रेन चेंज इज रिगार्डेड, रिजल्टिंग ब्रेन चेंज इज रिगार्डेड, रिजल्टिंग ब्रेन चेंज
मतलब ब्रेन में जो चेंज होता है उसको रिगार्ड किया जाता है एज द ट्रू कनकोमिटेंट ऑफ द सेंसेशन। कनकोमिटेंट मतलब उससे वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। द रिजल्टिंग ब्रेन चेंज इज रिगार्डेड एज द ट्रू कनकोमिटेंट ऑफ द सेंसेशन, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। तो इसमें जेड, फिर एक्स, फिर वाई, जेड एक्स वाई, इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन है, जेड एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें भी आपका आंसर होगा डी, जेड एक्स वाई। हु टॉट यू टू राइट, ये एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं। हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं। टॉट का मतलब ये है कि ये पास्ट सिंपल टेंस में इसको लिखा गया है, ठीक है, इसलिए इसमें हम वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। तो बाय हुम वर यू टॉट टू राइट, ये होगा इसका सही आंसर। इसमें तो इज दिया है तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो बाय हुम शुरू में आया ही नहीं है। बाय हुम का शुरू में आना जरूरी है क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बाय हुम वर यू टॉट टू राइट, ये इसका सही आंसर होगा, यानी बी यहां पर आपका सही आंसर होगा। ये है नरेशन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस हैं। शीतल सेट टू मी हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, तो इसका हो जाएगा शीतल आस्क्ड मी, शीतल आस्क्ड मी, और हाउ के बाद हम लगाएंगे हाउ, हाउ हैड आई नहीं होगा इसमें, हाउ आई हैड होगा। तो शीतल आस्क्ड मी हाउ आई हैड, इसमें दो तरीके से दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर शीतल आस्क्ड मी हाउ आई हैड के स्थान पर आप दे सकते हैं हाउ हैड आई भी दे सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। हाउ हैड आई हम लगाएंगे क्वेश्चन में, लेकिन इस डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हाउ हाउ के बाद हेड नहीं आएगा। हाउ के बाद हेड तो क्वेश्चन में आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में आती हैं, लेकिन ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, ये अफर्मेटिव माना जाएगा। यदि क्वेश्चन होता तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क लगाते। तो शीतल आस्क्ड मी हाउ आई हैड सॉल्व्ड, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, दिस जो है ये दैट में चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये पास्ट में है, तो दिस दैट में चला जाएगा, ठीक है। तो शीतल आस्क्ड मी हाउ आई हैड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, इस तरीके से ये ए इसमें आपका सही आंसर होगा। ये है आपका क्लोज टेस्ट और इसको देखते हैं। द वुड पैकर्स ऑफ द वेस्ट विद वन एक्सेप्शन आर डिफरेंट, इसमें एक्चुअली जो जो स्पीसीज होती हैं वुड पैकर, चिड़िया और अलग अलग तरह के ये होते हैं हमिंग बर्ड्स, ये सारे इसके बारे में इसमें बात हो रही है। एक्चुअली फ्लाई कैचर, चिड़िया जो अलग 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 बर्ड्स होती हैं उनकी इसमें बात हो रही है। तो वुड पैकर्स ऑफ द वेस्ट, वेस्ट के जो वुड पैकर्स हैं दे आर डिफरेंट। डिफरेंट के बाद हम क्या लगाते हैं, डिफरेंट के बाद हम लगाते हैं फ्रॉम, तो इसमें आ जाएगा फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ईस्ट, मतलब वुड पैकर की जो स्पीसीज है, जो वेस्ट के वुड पैकर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ईस्ट के वुड पैकर से, ठीक है, दोज ऑफ द ईस्ट। एंड सो आर द फ्लाई कैचर्स, और इसी तरीके से फ्लाई कैचर्स भी डिफरेंट होते हैं। द ग्रॉस बीक्स, द ओरियोटल्स, द ओरियोल्स, द टीनेजर्स, द टेनेजर्स, द हमिंग बर्ड्स, द हमिंग बर्ड्स, और यहां पर आप क्या लगाएंगे, एंड मैनी ऑफ द स्पैरोज, स्पैरो जो काले से रंग की छोटी सी चिड़िया होती है। तो यहां पर चूंकि चूंकि पूरी सभी स्पीसीज की यहां पर बात हो रही है तो यहां पर आप एंड ही लगा सकते हैं, एंड मैनी ऑफ द स्पैरोज। अब यहां पर ऑफ प्रपोजिशन है तो ऑफ के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, ऑफ के साथ जुड़ेगा इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ द पर्पल एंड ब्रॉन्ज्ड ग्रेकल्स द लेटर आर, देखिए एक होता है फॉर्मर एक होता है लेटर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो लेटर आर मतलब दो तरह के ग्रुप्स की यहां पर तुलना कर रहे हैं, तो बाद वाला जो ग्रुप होता है द लेटर आर सीन, कभी कभी का इक्विवेलेंट यहां पर चाहिए आपको, कभी कभी के लिए हम बोलेंगे समटाइम्स, समटाइम्स द लेटर आर समटाइम्स सीन, ये वाला समटाइम नहीं होगा, इसका मतलब होता है कभी, जैसे कम समटाइम एट माई होम, कभी मेरे घर आना, ठीक है, इसका समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, यूजुअली। तो यहां पर आ जाएगा समटाइम्स आएगा, ये वाला समटाइम्स आएगा,
द लेटर आर समटाइम्स सीन ऑन द प्लेन ऑफ कोलोराडो, मतलब जो दूसरा ग्रुप है उनको कभी कभी देखा जाता है कोलोराडो के प्लेन्स पर. एक होती है हिल्स, एक होता है प्लेन्स. प्लेन्स मतलब सिंपल जमीन, हिल्स मतलब जो पहाड़ियाँ जो होती हैं उनको हम हिल्स बोलते हैं, और प्लेन्स मतलब सिंपल. तो कोलोराडो एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये प्लेन्स पर ये देखे जाते हैं. बट आर नॉट कॉमन, ब्रूअर ब्लैक वर्ल्ड हैबिट्स आर नॉट एज प्रोसेक. ब्लैक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और ब्लैक वर्ल्ड को हम हैबिट से कनेक्ट कर रहे हैं. ये जो हैबिट है ये किसकी है, ब्लैक वर्ल्ड की ये हैबिट्स हैं ये, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हुज, क्योंकि सॉरी. तो हुज जो है इसको हम पजेशन के लिए लगाते हैं, तो इसलिए हुज यहां पर आपका सही रहेगा. तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन है और ये सेट 29 है. इस पूरे वीडियो क्लास को कई बार देखिए, और कोई भी फीडबैक हो तो इन नंबर्स पर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.